कई बार इतिहास हमें कई ऐसे लोगों से परिचित करवाता है जिनके बारे में हम कभी निर्धारित ही नहीं कर पाते कि हमें इन्हें सदी के सबसे बेहतरीन लोगों में रखना चाहिए या सबसे बुरे लोगों में। और यही समस्या आती है इंदिरा जी के साथ, जिन्हें कभी मोम की गुड़िया तो कभी आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। मैं हूं मयंक चौहान और आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी के बारे में, जिन्हें इस देश की राजनीति ने सबसे प्रबल और मजबूत प्रधानमंत्री का दर्जा दिया है। इंदिरा गांधी का जन्म आज के प्रयागराज में 19 नवंबर 1917 को नेहरू परिवार में हुआ। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री और माता कमला नेहरू। कमला नेहरू जी का देश की राजनीति में काफ़ी रुझान तो रहा, पर उनकी तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी और बाद में टीबी की वजह से 28 फरवरी 1936 को उनकी मृत्यु हो गई। 26 मार्च 1942 को इंदिरा जी की शादी फिरोज गांधी से हुई। कई लोग फिरोज गांधी को मुस्लिम समझते हैं, पर ये मुस्लिम नहीं बल्कि गुजरात के पारसी परिवार से थे। 1950 आते आते इंदिरा जी जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक कार्यों में उनकी सहायता करने लगी थी। 1959 में इंदिरा जी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 1950 से 1964 तक इंदिरा जी का राजनीतिक जीवन और उनकी पॉलिटिकल स्कूलिंग उनके पिता की छांव में चली, पर 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु होती है और उनके बाद एक बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि नेहरू जी के बाद अब देश की राजनीतिक बागडोर कौन संभालेगा। प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार थे मोरारजी देसाई, पर प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा जी को उन्हीं की कैबिनेट में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाया गया। 1964 से 1966 तक इंदिरा जी ने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को बखूबी संभाला और 1966 में देश की सियासत फिर बदली। 11 जनवरी 1966 को जब लाल बहादुर शास्त्री तास्कम समझौते पर हस्ताक्षर करने गए थे तभी उनकी मृत्यु हुई। लाल बहादुर जी की डेथ इंडिपेंडेंट इंडिया की सबसे कॉन्ट्रोवर्सियल डेथ साबित हुई। उनकी मृत्यु का कारण जो भी रहा हो, पर उसने एक सवाल फिर खड़ा कर दिया कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन। अब की बार फिर प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार थे मोरारजी देसाई और पूरी संभावना भी यही थी कि मोरारजी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, पर राजनीति में मोरारजी को फिर से शिकस्त मिली और भारतवर्ष की तीसरी व अगली प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। असल में लाल बहादुर जी की मृत्यु के बाद देश में सबसे सीनियर कांग्रेस लीडर मोरारजी देसाई ही थे, तो उस हिसाब से उन्हें ही देश का अगला प्रधानमंत्री होना था, पर उस समय की कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट के कामराज ने खेल पलट दिया। कामराज को एक ऐसा प्रधानमंत्री बनाना था जिसे वो अपने हिसाब से चला सके और उस हिसाब से इंदिरा गांधी उनके लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन थी, जिनके पास ना तो ज़्यादा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ही था ना ज़्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट ही था। और ऐसे 60s की पॉलिटिक्स के किंग मेकर के कामराज ने इंदिरा को देश का नया प्रधानमंत्री बना दिया। बहरहाल इंदिरा जी का पहला प्रधानमंत्री कार्यकाल शुरू हुआ, चीज़ें कुछ खास अच्छी तो नहीं थी। मीडिया उन्हें गूंगी गुड़िया पुकारती थी और अब तक इंदिरा जी ने कोई खास कार्य भी नहीं किया था और नतीजा ये हुआ कि अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन उनके नेतृत्व में कुछ खास अच्छा नहीं रहा। पर असली परिवर्तन भी इंदिरा जी के स्वभाव में और उनकी राजनीति में यहीं से शुरू होता है। अब गूंगी गुड़िया ना गूंगी थी ना ही गुड़िया, अब इंदिरा जी के राजनीतिक तेवर बदल चुके थे। उनका सबसे बड़ा फैसला आया बैंक्स को नेशनलाइज करने का और उस फैसले को लेने के पहले इंदिरा जी ने फाइनेंस मिनिस्टर को बताया तक नहीं था। इन्हीं सब उठापटकों के बीच 1971 का चुनाव हुआ। इंदिरा जी ने नारा दिया गरीबी हटाओ देश बचाओ, ये नारा खूब चला और इंदिरा जी फिर देश की नई प्रधानमंत्री बनी। 1972 में इंदिरा जी के नेतृत्व में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ। देश इंदिरा जी से काफ़ी खुश था, पर फिर बात ये आती है कि अगर चीज़ें इतनी ठीक ही चल रही थी तो फिर इमरजेंसी की नौबत तक इंदिरा जी को कैसे आना पड़ा। असल में 1971 में लोकसभा चुनाव में उनके ऊपर करप्शन और स्टेट मशीनरी का गलत उपयोग करने का आरोप लगा था और ऐसे ही कई और आरोप लगे थे, जिनका फैसला आया 12 जून 1975 में और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया, जिसके बाद जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ने काफ़ी जोर पकड़ ली और ऐसा लग रहा था कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं बच पाएगी और यही कारण था कि इंदिरा जी ने नेशनल इमरजेंसी का रास्ता चुना। 1975 से 1977 तक इमरजेंसी चली और उसके बाद जब चुनाव हुए तो सरकार बनी जनता दल की,
और प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। ये वही मोरारजी हैं जिन्हें दो बार प्रधानमंत्री की कुर्सी मिलते मिलते रह गई थी। सरकार ज़्यादा दिन तक चली नहीं और 1980 में फिर चुनाव हुए और अब की बार फिर जीत कर आई इंदिरा गांधी, तीसरी और आखिरी बार। इस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान इंदिरा जी के नेतृत्व में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया पंजाब में इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए। खैर, बाद में इन बातों पर कॉन्ट्रोवर्सी भी चली कि किस तरह कांग्रेस ने पहले खालिस्तान मूवमेंट को पंजाब में फैलने दिया और बाद में उसे खत्म करके अपने फेवर में सैंपैथी और सपोर्ट गेन किया। 31 अक्टूबर 1984 को सफदरगंज रोड स्थित इंदिरा जी के घर में उनकी के बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेनित सिंह ने उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस तरह देश के सबसे सशक्त प्रधानमंत्री का कार्यकाल खत्म हुआ और देश ने अपने इतिहास के पन्नों में उन्हें समेट लिया। अब ये आप पर है कि आप इतिहास के उन पन्नों को कैसे पढ़ते हैं, पर मेरा एक वादा है कि आप इंदिरा जी के प्रशंसक हों या उनके विरोधी, पर आप उनकी काबिलियत को नकार नहीं सकते। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए और हमें ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।